अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसन मुस्तफ़ा और वेलकम करता हूँ आपको बर्ड्स फोकस पर। जैसे कि आप भाइयों को पता है कि कराची का वेदर काफ़ी गर्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बजरीज के सॉफ्ट फूड पर बना लूँ और आप भाइयों से भी कुछ टिप्स शेयर कर लूँ। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन सो यू कैन सी आवर न्यू अपडेट्स। दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हॉट वेदर में जो सॉफ्ट फूड हम अपनी बजीज को दे सकते हैं, उनमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और कुछ सीड्स शामिल हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। जो फ्रूट्स हम अपनी बजरी को दे सकते हैं, उनमें एप्पल, पील, ग्रेप्स, तरबूज यानी वाटरमेलन, ये चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों एप्पल जो है, इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे, यानी स्लाइस की तरह या छोटे छोटे पीस काट लेंगे। हो सकता है कि शुरू में ये बजीज आपके एप्पल ना खाएं, तो दोस्तों इसका तरीका ये है कि आप जो है रात में इनका जो सीड का बॉक्स होता है या जिसमें भी आप सीड देते हैं वो बॉक्स आप निकाल लें। तो सुबह जब आप सबसे पहले जो जाकर ना इन्हें ये एप्पल के कटे हुए पीस दे दें, तो इंशाल्लाह एक दो बार आप इस तरह करेंगे तो आपके बर्ड्स एप्पल खाने लगेंगे। इसी तरह दोस्तों आप पील यानी आड़ू भी इन्हें दे सकते हैं गर्मियों में, और ग्रेप्स भी दे सकते हैं। दोस्तों वाटरमेलन भी दे सकते हैं, छोटे छोटे पीस काट कर या एक स्लाइस रख देंगे तो ये खा लेंगे। इनसे इनको गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि इन तमाम फ्रूट्स की तासीर ठंडी है, तो ये फ्रूट्स बेहतरीन हैं गर्मियों में बजीज के लिए। दोस्तों फ्रूट के बाद अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम गर्मियों में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। दोस्तों वेजिटेबल्स में सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है खीरा। दोस्तों खीरा बेहतरीन है बजरीज के लिए, इसके बाद हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे, चाहे आप खाल जिसको पता छिलका तो उसके साथ भी आप खीरा बजीज को दे सकते हैं छोटे छोटे पीस काट कर। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आप इन्हें दे सकते हैं सलाद पत्ता। दोस्तों सलाद पत्ता भी बेहतरीन है, बेहतरीन वेजिटेबल है बजीज के लिए गर्मियों में। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हम कैरेट दे सकते हैं गर्मियों में। वैसे तो कैरेट सर्दी का फल है, कैरेट सर्दियों का वेजिटेबल है। अगर गर्मियों में आपको मिल जाए तो आप कैरेट भी दे सकते हैं अपने बजीज को, छोटे छोटे पीस काट कर या बिल्कुल मैश करके, जैसे कि हम जूस बनाते हैं उसका जो बुरादा निकलता है वो हम अपने बजीज को डाल सकते हैं। चौथे नंबर जो हम बात करेंगे दोस्तों, हम दे सकते हैं धनिया। तो धनिया भी ठंडा होता है, धनिया की तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो हम अपने बर्ड्स को धनिया भी दे सकते हैं गर्मियों में। और दोस्तों अपने बर्ड्स को पुदीना भी दे सकते हैं गर्मियों में। दोस्तों हम अपने बर्ड्स को पालक नहीं दे सकते, क्योंकि पालक की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो गर्मियों में अब अवॉइड करें पालक देने से। दोस्तों अगर आप देना चाहते भी हैं तो हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार एक या दो पत्ते डाल दें, वैसे तो ना दें तो बेहतर है। पालक और लूसन आप बिल्कुल भी गर्मियों में अपने बर्ड्स को ना दें, इससे उन्हें मोशन लग सकते हैं और वो मर भी सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई बात फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीड्स की। दोस्तों सीड्स में हम इन्हें बॉयल राइस दे सकते हैं। दोस्तों बॉयल राइस हम बजीज को दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा बजीज के लिए गर्मियों में। इससे बजीज हेल्दी होते हैं और अपने चिक्स को बहुत अच्छी तरह फीड करवाते हैं। दोस्तों जो दूसरी चीज़ हम दे सकते हैं वो है गंदम यानी वीट। दोस्तों रात को हम गंदम को भिगो के रख सकते हैं और सुबह हम ये अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं, ये भी गर्मियों में बेहतरीन है। बर्ड्स अपने चिक्स को जो फीड करवाएंगे तो उनके चिक्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे। वैसे तो गर्मी में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ भाई हमारे शौकीन भाई होते हैं वो गर्मियों में ब्रीड लेते हैं, तो उसके लिए आपको बॉयल राइस और गंदम रोज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए अपने बर्ड्स के लिए। और दोस्तों सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कॉर्न यानी भुट्टे की। दोस्तों भुट्टा भी हम गर्मी में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चंद मालूमात थी जो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।